श्री तूफान सिंह, ये हमारे जो देवकी के पाठ पर खुश होकर के दान कर रहे परमात्मा उनकी स्तुति को बढ़ाता रहे, सदैव उनके हाथ अनुच्छेद की ओर बढ़ते रहे। भैया कंस भैया, ये तुम क्या कर रहे हो भैया, विचार तो करो तुम क्या करने जा रहे हो। भोजराज कहो वसुदेव, प्रण वीर धीर कंसेर स्वर्ण, तुम हो वीरों के बाने में, शोभा तुमको नहीं मिल सकती इस अवला पर हाथ उठाने में। भोजराज कहो वसुदेव, अरे एक अवला पर हाथ उठाने में आपको शोभा नहीं मिल सकती। क्या ये अवला है, वाणी को सुनकर ये हृदय हृदय में कुछ समझा है, पर ये समझ न आता है इस हलचल का कारण क्या है। भोजराज वसुदेव, क्या तुमने आकाश भगवान ने जो आकाश बाड़ी की थी उसको नहीं सुना? क्यों तुले हुए हो नाहक ही इस अवला के प्राणों पर, संदेह देवकी पर है या इसकी संतानों पर? अगर इसका डर हो तो अभी उजर नहीं, नागने अभी विनाश करो, अगर संतति का खटका हो तो कुछ मेरा विश्वास करो। क्या कहा वसुदेव कि विश्वास करो? मैं प्रण पूर्वक कहता हूँ अब मोह विसर्जन कर दूंगा, इसके जो संतति होगी वो तुम्हें समर्पण कर दूंगा। बहुत अच्छे, ठीक है वसुदेव, अगर आप चाहते हो तो आपके वचनों के द्वारा मैं देवकी को छोड़ देता हूँ। भोजराज इससे विशेष विश्वास देते हो लाचार तुम हैं, अब मारो या छोड़ो राजन, ये है अधिकार तुम्हें। देवकी को और वसुदेव को कारागृह की कोठरी में डाल दिया जाए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। और अब आज का हमारा खेल यहीं पर समाप्त होता है, सभी भक्तजन आरती के लिए खड़े हो जाएं। हम दे पाएंगे, सही है, सही दे रहे, कल दे देंगे। I'm not afraid.
धन्यवाद मैं अपने नगरवासियों को जिन्होंने हर बार मेरा भरपूर सहयोग किया है।